तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक मरतबा फिर से हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज हम फिर जा रहे हैं बाइक करके मैप में, जंप कर दी है, देखते हैं यहाँ पर हम कितने किल कर पाते हैं। और सामने ही मैंने देखा कि भाई दो एनिमीज भी लैंड कर रहे थे, क्योंकि हमसे पहले जंप कर चुके थे, अब हम उनके बाद जंप कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई उन्हें पहले गन मिलती है हमें, या हम उनको किल कर पाते हैं या वो हमें किल कर पाते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा एक रैंडम टीममेट है मेरे साथ, तो DBS मिली मुझे, और DBS का तो आपको पता कोई फ़ायदा है नहीं वैसे फिर भी, लेकिन अब कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। तो अब अच्छी गन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था मैं, घर में जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ मैंने देखा मुझे कोई गन मिली नहीं, लेकिन आसपास फुटस्टेप आ रहे थे मैप के ऊपर, बंदे आसपास ही थे बिल्कुल। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ स्टे करके देखते हैं, अगर बंदे मिलते तो भाई यहाँ हमारे, लेकिन सब आना बंद हो चुके थे। तो मैंने यहाँ से फिर बाहर निकला, और क्योंकि मेरे पास गन अच्छी थी तो मुझे गन लाजमी चाहिए ही चाहिए थी हर हाल में, और साथ ही साथ डर भी लग रहा था भाई कहीं से भी फायर हो सकती। तो फाइनली मुझे UMP मिली, जो कि कम से कम इस DBS से तो बेहतर ही है। अब फायरिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। टीममेट ने किसी को नॉक कर दिया है, और आई थिंक दो बंदे मैंने देखे थे, एक सामने था मेरे, तो अच्छा हुआ मैंने उसे मार दिया, क्योंकि उसकी फायर भी मुझे लगी, मेरी फायर भी उससे लगी, लेकिन मेरी फायर ने उससे ज़्यादा अच्छा डैमेज किया। मेरे पास भी वेस्ट नहीं थी, लेवल वन का हेलमेट था, और आई थिंक उसके पास भी लेवल वन का हेलमेट ही था, और शायद वेस्ट थी या नहीं, बहरहाल मेरी गोलियों से हिट कर गई। तो वो यहाँ सामने नॉक था, और अब अपने ही टीममेट को कॉल कर रहा होगा, तो और मुझे फुटस्टेप भी आ रहे थे साथ में, तो मैं थोड़ा यहाँ कवर में आया, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। तो मेरा टीममेट पीछे से आ ही रहा था, और जो मैंने सोचा वही था बिल्कुल, उसका टीममेट भी था बिल्कुल साथ में ही, और वो उसको रिवाइव करने के लिए ही आ रहा था, और मेरे टीममेट ने पीछे उसको मार दिया। तो फाइनली भाई यहाँ जो दो लोग उतरे थे हमने उन्हें मार दिया। अब देखते हैं कोई अच्छी सी लूट मिलती है, और लूट करने के बाद यहाँ से निकलते हैं और आगे जाके और लोगों को ढूंढते हैं। दोनों M4 लेके घूम रहे थे, और M4 की गोलियां मुझे पड़ी, और बड़ी हैरत की बात है कि मैं M4 की गोली से नॉक नहीं हुआ। और चलें जी, यहाँ थोड़ी सी और हमें हीलिंग का सामान भी मिल गया, जो बेहतर है। तो यहाँ देखते हैं, फाइनली वेस्ट मिल गई मुझे। तो गाइस, अभी तक जो भी वीडियो देख रहा है, बस उससे ये रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, यही सपोर्ट आपका हमें चाहिए, और बस आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमें, हमारी रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ मांगते ही नहीं। तो भाई लेवल 3 का बैग भी था, लेवल 2 की वेस्ट और हेलमेट भी था मेरे पास। अब एमओज भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा थे, और अब मैं यही सोच रहा था कि किसी एक आध घर में और जाके देखूं, अगर कुछ और अच्छा मिल जाता है, एमओस वगैरह मिलते हैं, उसके बाद फाइनली फिर यहाँ से निकलें और जाके फिर किल्स करते हैं, इससे पहले कि किल्स हमारे चोरी हो जाएं। तो भाई जोन भी बन चुका था, अब हम जोन की तरफ ही जा रहे थे, और देखते हैं भाई कि कोई हमें मिलता है या नहीं, अब किसी को किल कर पाते हैं या नहीं। और मेरा टीममेट जो है भाई वो फुल खाने पीने के मूड में है, और वो सही लूट करने जा रहा है दोबारा, हालांकि उसके पास आई थिंक काफ़ी लूट होनी चाहिए, जैसे मेरे पास है तो उसके पास भी काफ़ी लूट होनी चाहिए। तो ये कि टीममेट मेरा अभी भी मेरे साथ नहीं आ रहा, बल्कि वो वहीं पे लूट कर रहा है। तो भाई सामने ड्रॉप भी था, और ड्रॉप जहाँ होता है बंदे तो वहाँ होते ही होते हैं हर हाल में। मैंने अपने टीममेट को लेट्स गो का एक चैट किया, लेकिन मेरे ख्याल में टीममेट वहीं पर अपनी लूट मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। तो बस मैंने सोचा छोड़ो यार आगे चलते, जो भी होगा देखी जाएगी भाई। तो भाई अभी तो फ़िलहाल कोई बंदा नज़र आ नहीं रहा आसपास, दूर दूर तक मैंने देखने की कोशिश की, और टीममेट भी अभी तक वहीं पर बिजी था लूट करने में।
हमारे टीममेट ने वहाँ किसी को नॉक भी कर दिया, आई थिंक वहाँ और बंदे थे, लेकिन उस वक्त तक जब तक हम थे वहाँ मेरे ख्याल में कोई वहाँ पर था नहीं। हो सकता कि कैंप वैम्प कर रहा हो भाई, कैंपर्स की भी क्या ही बात है। तो भाई फाइनली मैंने सोचा यार आगे ही बढ़ते हैं, बेकार है यहाँ पे रुकना और टीममेट का वेट करना क्योंकि उसने तो आना नहीं है। अब चलते हैं, देखते हैं ड्रॉप के पास ही, देखते हैं अगर कुछ लोग हैं वहाँ पर तो फिर उनको मारते हैं। गाइस बस लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं जो भी देख रहा है, आगे बहुत ही अच्छी गेम प्ले होने वाली है और बस उसी के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। तो भाई फिर मैंने अपनी टीममेट को कहा लेट्स गो भाई, कितना आप लूटोगे, लेकिन टीममेट जो कि आगे आने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो आई थिंक वो आ रहा था क्लोज रेंज में। तो भाई मैंने कहा चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, मेरा रुकने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर एक जगह रुक गए ना आप तो भाई कहीं से भी हेडशॉट पड़ जाएगा आपको, स्नाइपर्स लेके बैठे होंगे यहाँ पे एनिमीज। तो भाई फाइनली हर जगह देख लिया, लेफ्ट राइट सामने पीछे, लेकिन कहीं पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था भाई, कहाँ पर छुप के बैठे हुए थे लोग। भाई पबजी खेलने की बात हो यार, छुपते ही हो तो फिर पबजी क्यों खेलते हो भाई, ओपन में आओ फाइट करो भाई, गेम है, गेम में मरना तो है, या कोई मरेगा या कोई जीतेगा, ये तो चलता है, गेम का रूल है भाई। तो आओ आगे आओ सामने आओ, छुप के कैंपिंग करके बैठ जाना, मतलब आई डोंट नो वाई किस तरह का ये रूल है। कैंपर्स के लिए भी एक रूल सेट होना चाहिए यार भाई, कि इतनी तरह की कैंपिंग हो सकती है और इस तरह की हो सकती है भाई, इससे ज़्यादा करोगे तो भाई वो रूल नहीं होगा। तो भाई चलो मेरी शायद बातें मेरी एनिमीज़ ने भी सुन ली और फाइनली सामने से फायरिंग की आवाज़ भी आने लग गई। तो मैंने सोचा यार यहाँ से देखते हैं, टीममेट को भी आ जाए ज़रा साथ में तो बैकअप मिल जाएगा, रिवाइव वगैरह कर देगा। लेकिन बहरहाल वो टीममेट शायद पास ही था, मैंने सोचा यार चलो फायरिंग भी हो ही रही है तो भाई चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अचानक से फायरिंग बंद हो गई होना, और यहाँ पर एक पेटी भी पड़ी हुई थी, शायद किसी को मार दिया था यहाँ पे, फाइट हो चुकी है इस तरफ। तो अब यहाँ थोड़ा सा सेफ होके देखते हैं कि बंदे कहाँ पर हैं, और फाइनली बंदे भाई सामने ही हैं, कोई मेरे ख्याल में दो टीम से एक टीम है तकरीबन सामने, और टीममेट ने भाई फायर करना शुरू भी कर दिया, ये भी सही है भाई, आती फायरिंग करना भी शुरू कर दी टीममेट ने। ओके पीछे की तरफ तो कोई था नहीं, बस सामने की तरफ ही लोग थे, तो 2x स्कोप है यार, स्कोप भी अच्छा नहीं था मेरे पास। और फाइनली वो वहाँ पर एक बंदा मुझे नज़र आया, फायर पड़ी उसको और टीममेट ने वहाँ पे किसी को नॉक भी किया। अब ये वहाँ से भी एक बंदा इनका आ रहा था और यहाँ पर भी थे, मतलब ये फैले हुए थे शायद, आई थिंक बहुत सारे लोग एक की टीम के तीन चार लोग फैले हुए थे आसपास। जब इनको एक आधे को पड़ने लगी तो ये एकदम सब भाग के आने लगे भाई एक तरफ ही, या ये एक ही टीम के बंदे थे, अलग अलग थे, बहरहाल आपस में नहीं मार रहे थे यार एक दूसरे को, मतलब ये हाँ ये क्या सीन था बहरहाल आई डोंट नो। अब एक कोई मुझे पास में से कहीं से लग रहा था कि कोई फायर कर रहा है, तो यहाँ बैठा हुआ था भाई ये बॉट का बच्चा, और ये फिर पीछे शायद किसी को मार रहा था आई थिंक, भाई इसके पीछे चला गया, अब ये मुझे पीछे से भी कोई मार रहा है, तो पहले मैं उसको मारता हूँ किल सिक्योर करता हूँ फिर पीछे वाले को देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे मारता भाई मेरे टीममेट ने उसे मार दिया, वेरी गुड भाई वेरी गुड, ये अच्छा हो गया, तो किल सिक्योर भी हो गया और टीममेट ने उसे मार भी दिया। अब सामने वाले बंदों की तरफ देखते हैं भाई क्या है, क्या माजरा है, क्या चल रहा है, कितने लोग हैं। भाई UMP मुझे थोड़ी सी पसंद आई है भाई, इसलिए मैं UMP चला रहा था M4 को छोड़ के, जबकि M4 का डैमेज भी अच्छा है, रेंज भी अच्छी है, लेकिन मुझे UMP पता नहीं क्यों अच्छी लगी यार। टीममेट को मैंने यहाँ बताया भाई कि बंदा इस तरफ भी है, और चलो भाई यहाँ पर एक और UMP से मैंने किल कर दिया भाई। अब दो तीन बंदे तो यहाँ मर गए थे मेरे हाथों, और अब फायर भी मेरी तरफ आ रहा था भाई, एक बंदा यहाँ सामने से आ रहा था भाई, इसे लगा शायद हम इसे देख नहीं पा रहे,
तो भाई ये भी चला गया बेचारा, इसकी हेल्थ काफ़ी कम थी, आई थिंक इसने हिल विल नहीं की, बस भाग ही रहा था। क्यों रही कि सामने था, बल्कि यहाँ सामने दो दो लोग थे आई थिंक, हाँ आई थिंक दो लोग थे। और अब मेरी UMP में भाई हो गई थी एमओ बिल्कुल ख़त्म, 12 गोलियाँ रह गई थी और मेरा ध्यान एमओ पे था ही नहीं, मैं सामने की तरफ देख रहा था भाई, बंदों को बस मार रहा था। और यहाँ पर हुआ भाई मेरा टीममेट नॉक, जबकि टीममेट पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं देख रहा था भाई सामने, और सामने मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया। अब मैंने निकाली है M4 अपनी, और मेरा बिल्कुल ही ध्यान नहीं गया भाई, मैं अपने टीममेट की तरफ देखूँ, टीममेट मेरा जो नॉक हो गया है। तो भाई यहाँ पे मैंने सिंगल वे करके M4 को जो मैंने टप टप फायर मारे, टप 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 टप, बंदा एकदम छुप गया भाई, डर गया, उसने लगा कि यार ये तो M4 की अब आवाज़ आ गई है, अब ये तो जो है वो डायरेक्ट ही किल कर देगा। तो अब यहाँ पर जब मेरी अचानक नज़र पड़ी भाई टीममेट की उसके ऊपर कि यार टीममेट तो मेरा नॉक है, तो मुझे टीममेट के पास जाना चाहिए, तो यहाँ पर यार थोड़ी सी होगी मिस्टेक। तो भाई एक तो ये कि अगर कोई टीममेट आपको नॉक हो जाए और आप अगर ऐसे सिचुएशन पे हो कि आप देख रहे हो सामने बंदे हैं, तो भाई टीममेट को नहीं बचाओ, पहले अपने आप को देखो, सेफ करो, सामने मारो, फिर जाओ टीममेट के पास, और अगर टीममेट आपको मर जाता है तो भाई जाने दो, अपने आप को सेफ करो। क्यों अगर खुले में आप सामने बंदों को देख के जाओगे तो भाई फिर आपके साथ ये होगा जो मेरे साथ हुआ। खैर इस वीडियो में आपने जो देखा भाई, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।